हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आखिरी जंग में आप लोग का स्वागत है। यस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्लियर। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी जंग में 6 नंबर ब्रह्मास्त्र, 6 नंबर क्लास है। आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप लोग को पता है ना, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं 12th इंग्लिश के लिए, केवल 10 क्लास मिलेगा, जिसमें से छठा क्लास है, 6 नंबर क्लास, केवल 10 क्लास, और इसी में से 100% मार्क्स, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं होगा, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सो पहले जान लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, जो 4 मार्क्स का पूछता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, जो 4 मार्क्स का पूछता है। तीसरा समरी, जो 5 मार्क्स का पूछता है। चौथा नंबर बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो 5 मार्क्स का पूछता है। और पांचवा नंबर बात करेंगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे, जो 2 मार्क्स का पूछता है, क्लियर। तो लगभग 20 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स पे आज के वीडियो में बात करेंगे। तो पूरे ध्यान से, दिल से देखिएगा, आज क्लियर हो जाएगा 20 नंबर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, रीड द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन या इसे पैसेज भी कहते हैं या कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है जी, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है अपना, एक पैराग्राफ लिखा होता है। देखिए, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। वैसे इसका कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी क्या होता है पता है, समझदारी। समझदार, आप कितना होशियार है, कितना समझदार है, सो यहाँ पे चेक करता है, क्लियर ना। देखिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी में से 4 क्वेश्चन है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है इसी में से, क्लियर ना। देखिए, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को बनाने के लिए क्या करना चाहिए सो बता देते हैं। किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए पता है, ये पैसेज को पढ़ना चाहिए, ये पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। जैसे ही 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़े रहेगा कोई भी स्टूडेंट, तो पैराग्राफ जैसे ही यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अरे अरे ये ही वाला तो पूछ रहा था, मार दिए, एक का आंसर ये है ना, लिख देंगे, यहीं में से उठा के आंसर देना होता है, कहीं और से नहीं, बस उठा के डाल दीजिए, अरे भैया एक के आंसर ई, बी के आंसर ई, सी के आंसर ई, ऐसे करके, क्लियर ना। तो यहीं पर से इसमें भी क्या होता है पता है, कोई भी स्टूडेंट जैसे ही 1 बार पैराग्राफ पढ़ता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है इजीली, कोई तूफान नहीं। बट याद रखना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ओके जी। चलिए, दूसरा तरीका क्या है बता दे, और इजी। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले लाइन में रहेगा, एकदम पहले लाइन में 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर, पहला से दूसरा लाइन जाएगा भी नहीं, पहला क्वेश्चन का आंसर उसी में रहेगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर दूसरा या तीसरा लाइन में रहेगा, है ना, चौथा क्वेश्चन का आंसर ये चौथा या पांचवा, तीसरा का चौथा या पांचवा लाइन में रहेगा, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये पूरा का एक, है ना, कंक्लूजन जो होता है वो या तो लास्ट लाइन में रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कॉम्प्रिहेंशन बनाना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, बस 1 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे ही पैराग्राफ पढ़ेंगे क्लियर होता चला जाएगा, क्लियर। और 1 का आंसर ये 2 का आंसर ये 3 का आंसर ये ऐसे ऐसे करके दे देना है। जैसे देखिए ना, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द 3 सन्स बिहेव विद वन एनोदर, है ना, बिहेव विद वन एनोदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है, द 3 सन्स ऑफन क्वारल्ड विद वन एनोदर, तीनों सन जो है क्या करते थे, वो तीनों तो झगड़ा किया करते थे। यहाँ पे देखिए, पहले लाइन में होगा, देखिए, हु ऑफन विद वन एनोदर, वो सब क्या करते, एक दूसरे से झगड़ा किया करते, तो एकदम गारंटी है जो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला लाइन में रहेगा ही, दूसरा में थोड़ा आगे बढ़ सकता है, दूसरा तीसरा दोनों में टच कर सकता है, बस ऐसा ही होता है, कुछ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देखना है, उठा के यहाँ से आंसर लिख देना है, क्वेश्चन देखना है, उठा के यहाँ से आंसर लिख देना है, बात समझ में आ गया। 4 मार्क्स आप लोग को मिल गया, खत्म कहानी, 4 मार्क्स, क्लियर। आइए आगे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन क्या होता है पता है? कोई भी प्रोज या पोएट्री से आपको एक लाइन दे देगा, अब वहाँ पूछेगा यार ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग को जो राइटर का नाम याद करवाए थे, अगर राइटर का नाम याद है तो उससे थोड़ा बहुत मोटा मोटी आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम में जब आप जाइए एग्ज़ाम देने तो कोई भी चीज़ क्या है छोड़ना नहीं है एग्जाम हॉल में। क्लियर? एक भी क्वेश्चन छोड़ने से बेनिफिट नहीं होना है, कुछ भी लिख देना है, थोड़ा भी राइटर का नाम दो चार लाइन है ना लिख के तभी आना है। जैसे क्या है ना, पहले जो एग्ज़ाम होता था तो अगर आप सही सही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब मार्क्स मिलता था, लेकिन अब क्या है अगर आप थोड़ा भी लिख रहे हैं तो थोड़ा मार्क्स दे देगा, 50% लिखते 50% मार्क्स दे देगा, 80% लिखते 80% मार्क्स देता है। और लिखते समय सबसे बड़ी बात, आप लोग क्या कीजिए, जब भी एक्सप्लेन कीजिए तो क्या करना है आप लोग को, ये मान लीजिए जी आप लोग को कॉपी मिला क्लास में नोटबुक, ओके जी, यहाँ पे एक इधर छोड़ा रहेगा, यहाँ पे छोड़ा रहेगा, क्लियर ना। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखिएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखने, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा तो बस इतने में देना है, कितना में, बस इसी में आंसर देना है। और आंसर देते समय क्या करना है, कंप्लीट लिखना है, अच्छे से लिखना है ना, जो भी लिखना है अच्छे से, क्लियर होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, क्लियर ना। आंसर साफ साफ कोशिश कीजिएगा देने का, घस के नहीं, जो ऐसे ऐसे करके घस के दे दे, घस के नहीं देना है, एग्जाम हॉल है ना, तो क्या करना है पहले तो इधर और इधर नहीं देना है, इधर और इधर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। जैसे देखिए हम क्वेश्चन नंबर भी डाले तो कहाँ डाले, यहाँ, आंसर भी डाले तो कहाँ डाले, यहाँ, ये नहीं जो अब आंसर लिखना है तो यहाँ लिख दे और आंसर यहाँ लिख, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी काम करना है इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, इधर बीच वाले में सारा कुछ करना है, कंप्लीट लिखना है, क्लियर लिखना है, फ्रेश लिखना है, क्लियर। चलिए तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, कोई भी लाइन उठा के दे दिया आपको, है ना, अब ये लाइन जो दे दिया, इस लाइन को देखने के बाद आपका सेंस कुछ ना कुछ काम करेगा, यार इंडियन सिविलाइजेशन से है या भारत में होम से है या अ पिंच ऑफ स्नफ से है, क्योंकि वो लाइन में लाइन जब हम लोग पढ़े थे तो कुछ कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा ना, यार ये वाला घटना तो वहाँ घटा था, है ना, ये क्या है, आई हैव अ ड्रीम से है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से है, मैरिज प्रपोजल से है, कहाँ से है, ये सेंस क्लियर कर देगा। अब आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, है ना, दिस लाइन, ये लाइन लिया गया है कहाँ से, तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, उसके राइटर कौन थे, बस ये दो चीज़ पता है ना, ख़त्म कहानी, आगे उसके बारे में कुछ दो चार लाइन लिख दीजिए, आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी दो चार लाइन लिख दीजिए, ये गांधी जी का जन्म ये हुआ, गांधी जी की मृत्यु इस टाइम में हुआ, गांधी जी यहाँ यहाँ के लीडर थे, अच्छे थे, बापू नाम था, कुछ भी भर दीजिए, बस साफ साफ अगर लिख दीजिएगा ना तो नंबर देगा, कुछ भी भरे कोई बात नहीं, बस साफ साफ अगर है तो नंबर मिल ही जाएगा, चार नंबर ना मिले तीन नंबर मिलेगा जी, दो नंबर मिलेगा न आता है तब, और अगर आता है तो चार में चार मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ऐसे ही करके ये आपको ज़्यादा में नहीं, देखिए अगर आपको ये चार मार्क्स का है तो आप इसको कितना वर्ड में लिखिए पता है, 30 से 40 वर्ड में लिख दीजिए, 20 वर्ड में लिखेगा तो तूफान नहीं आएगा, बट कोशिश कर 30-40 वर्ड में लिख दे, नंबर मिल जाएगा, 30-40 वर्ड में लिखिएगा तो चार का चार मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्या है, फिर आई सेलिब्रेट, ये तो पहला नंबर था प्रोज से था एक लाइन, दूसरा नंबर जो है ये पोएट्री से है, क्लियर ना, ये कहाँ से है, पोएट्री से, कविता से है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, जैसे ये लाइन पढ़े तो आपका दिमाग करेगा यार गाना उना वाला बजे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, यस, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सीधा दिमाग में लिखिएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, ये सब बात तो आपको याद है, बाकी जो आता है, जो दो चार लाइन आता है, कुछ भी आता है दो चार लाइन लिख दीजिए, चार में चार मार्क्स मिल जाएगा, ओके। तो या तो ये लिखना होता है या ये लिखना होता है, जो भी लिख दीजिए 4 मार्क्स
मिल गया। ओके, समझ में आ गया। जो चलिए ऐसे लिखना होता है जो, और यहाँ पे ये न इधर कुछ टच करना है न इधर, जो भी लिखना है बीच में लिखना है, बस छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चार मार्क्स क्लियर हुआ जी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं समरी। समरी है ये, देखिए समरी जो है और लॉन्ग क्वेश्चन को सेम सोच। समरी क्या होता है, जैसे अपना जो 10 पेज में 20 पेज में है ना, 10 पेज में 20 पेज में एक स्टोरी लिखा हुआ है, स्टोरी का समरी क्या होता है यार, वही ये समरी आप लोग को 5 मार्क्स का पूछेगा, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो भी 5 मार्क्स का पूछेगा। देखिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को अगर समरी याद है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है, और समरी भी लिख सकता है। क्लियर ना, बस थोड़ा भी ओवरव्यू कोई चैप्टर के बारे में पता है बस बना देना है। ओके, चलिए तो समरी क्या है, आप लोग को दिया है द सोल्जर से, पोएट्री का समरी है, द सोल्जर से दिया हुआ है। अब आप लोग को क्या है, यहाँ पे सोल्जर के बारे में जो भी पता हो थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। बस कोशिश कीजिएगा समरी जब लिखे तो हम लोग 50 वर्ड 55 वर्ड में लिख दे। ओके जी, चलिए छोड़ना नहीं, अगर नहीं ज़्यादा आता है तो 20 to 30 वर्ड में भी लिखिए, बट लिखिए ज़रूर, और आता है तो 50-55 वर्ड में लिखिए। वैसे जो जो इम्पोर्टेंट समरी है, गेस समरी है, वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो दिया हुआ है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 3-4 गेस करेंगे, 3-4 से ज़्यादा नहीं, उसी में से आपको पूछेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा ओवरलोड लेने का ज़रूरत नहीं है। जितना बता रहे उतना पढ़ लीजिए, 100% मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए तो ये हो गया समरी, क्लियर ना। और आप लोग क्लास में पता ही है ना, समरी का अलग वीडियो भी बना हुआ है बहुत सारा, समरी बहुत इजीली हम लोग पढ़े हैं, क्लियर। डिस्क्रिप्शन में भी है, अलग समरी भी है, कोई के समरी बाय निर्माण स्टडी लिखिएगा, समरी आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये अपना कहाँ का है, सोल्जर का समरी है, देख लीजिएगा। एक और है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका भी समरी हो गया, क्लियर। चलिए तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा इस सब को देख लेना है घर पे, है ना, अच्छे से समझना है सब चीज़ का समरी, सब का समरी अच्छे से पढ़ा चुके हैं। समरी और लॉन्ग क्वेश्चन सेम होता है, समरी लिखना और लॉन्ग क्वेश्चन लिखना सेम होता है। समरी भी 5 मार्क्स का पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का पूछता है। लिखते समय ध्यान देना है, क्या ये बात तो आपको पता हो चुका है ना, सब कुछ इसके बीच में ही लिखेंगे, ना इधर टच करना है और ना इधर टच करना है। ओके, चलिए देखिए क्या होता है, अगर आप 20 to 30 वर्ड में अगर आंसर दिए तो वही हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, है ना। अगर आप 40 to 50 में आंसर दे दिए तो वो हो गया लॉन्ग का, अगर आप 50 to 55 में दे दिए तो वही हो गया समरी, क्लियर। ये होता है, कुछ तूफान नहीं होता, इंग्लिश बहुत आसान होता है, बस आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा भी, अगर स्टोरी सुन चुके हैं तो कुछ भी अगर नॉलेज है लिख देना है, बस लिखते समय ध्यान देना है इधर उधर टच ना करें, कॉपी में अच्छे से लिखे, राइटिंग बना के लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर दे देता है ना, नंबर आजकल जो होते हैं वो दे देते हैं चेक करने वाले, अच्छी तरह से बस लिखना है। एक चीज़ और एग्जाम में ध्यान देना है, आप लोग अगर OMR शीट भरते हैं ना जी, तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से भरिएगा, किससे भरिएगा, ब्लैक पेन से भरिएगा। क्यों, क्योंकि पता है आप लोग का OMR शीट मशीन में चेक होता है, मशीन में चेक होने का मतलब आप लोग को याद होगा, जब आप लोग कोई भी चीज़ का जिरक्स कराने जाते हैं, फोटोकॉपी कराने जाते हैं, तो अगर ब्लैक पेन से लिख के ले जाइएगा तो उसका बहुत अच्छा फोटोकॉपी निकलता है, पूरा क्लियर दिखता है। अगर उसको ब्लू पेन से लिख के जाइएगा
तो वो साफ साफ नहीं दिखता है। तो आप लोग एग्जाम हॉल में दोनों पेन लेके जाना है, ब्लू भी और ब्लैक भी। ओके, ओएमआर सीट में नाम वगैरह जो भी चीज़ भरेंगे या ओएमआर सीट को फिल करेंगे तो क्या करना है पता है, ब्लैक पेन से फिल करेंगे। क्लियर। और एक बात, आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें से केवल 50 का आंसर देना है। कितने का आंसर देना है? केवल 50 का आंसर देना है। अब होशियार जो स्टूडेंट होगा वो कहेगा, अरे 50 को कैंसर देना है तो चलो 70 को बना देते हैं, अरे 90 को बना देते हैं। पगला 90 को बनाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। का है अपना जन तो स्टूडेंट होशियारी किया जो 90 को बना देते हैं, 90 को में जो 50 को सही होगा वो दे देगा हमारा। ना, ऐसे ना होगा। देखिए होशियारी नहीं करना है, ज़्यादा होशियारी में ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक अगर क्वेश्चन है 1, 2, 3 है ना, 100 तक क्वेश्चन है, तो क्या होगा पता है, ऊपर से लेके 50 क्वेश्चन चेक होगा। अगर कहीं आप 90 को बनाए और ऊपर के 40 को गलती हो गया है ना, और निचल का 50 को सही है, तो क्या होगा पता है, निचल का 50 को सही है ऊपर का 40 को गलती है, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? केवल 10 नंबर मिलेगा। कैसे? जो ऊपर वाला 40 हो तो गलती हो गया, सही वाला में से तो 10 को ना सही पकड़ाया, क्योंकि वो चेक करेगा ऊपर से 50 को, है ना। तो याद रखिएगा, जब आपको एक का आंसर आता है तो आंसर दीजिए, दो का नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, तीन का आता है तो दीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए। मतलब 50 ही भरना है, सही सही भरना है। क्लियर ना? तो उम्मीद है बात समझ में आ गया। अब ये नहीं, अब 50 गो में आपको 40 गो आता है, 40 आपको आता है सही सही, तो कोई बात ना, 10 गो तुक्का मार दीजिए, लेकिन बाद में तुक्का मारिए, है ना। बात समझ में आया? यस। तो हम लोग को लिखना कैसे है, ओएमआर सीट कैसे भरना है, वो भी समझ में आ गया। और अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ब्लू पेन से, यस ब्लू पेन से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ब्लू पेन से लिखिएगा जी। अगर समरी लिखना है तो ब्लू पेन से। एक्सप्लेनेशन करना मतलब राइटिंग वाला जितना भी काम होगा, नोटबुक पे कॉपी पे जो भी काम कीजिएगा ब्लू पेन से, और ओएमआर सीट पर जो भी काम कीजिएगा ब्लैक पेन से। क्लियर, समझ में आ गया इतना बात? चलिए अब आप लोग को ये समरी भी समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन यही होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन बस 40-50 वर्ड कर दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं आता है, क्या कभी कभी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो क्या करेंगे पता है, थोड़ा वो जो आपको पूछेगा, चलिए यहाँ पर बता, शॉर्ट वाले में बता देते हैं। यहाँ पर आइए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग को 2 मार्क्स का पूछेगा। कितना मार्क्स का पूछेगा जी? 2 मार्क्स का पूछेगा आप लोग को, 2 नंबर के होगा शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका आंसर यहाँ, ये देखिए यहाँ पे घुस गया। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज। निग्रो के बारे में, निग्रो काले के बारे में क्या कहते थे मार्टिन लूथर किंग। अब देखिए जो क्वेश्चन होता है ना, व्हाट डज, हु, व्हाई, वो सब को छोड़ के, जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वगैरह होता है वो सब को छोड़ के जो आपको बचता है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब नहीं हो कुछ आता है, मार्टिन लूथर किंग लिखल है तो मार्टिन लूथर किंग थोड़ा फ्रेश से लिख दिए, कुछो बता दिए, कहाँ के थे, जन्म कब हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था कि नहीं मिला था, इतना तो छोटका छोटका बात यादें है, वो ये सब बात लिख दीजिए, 2-4 लाइनें बढ़ा दीजिए, पढ़ के कोई थोड़ी चेक करता है जी। वहाँ आप अगर बढ़िया से लिखेंगे ना तो बस काम उतने पे बन जाएगा, क्योंकि देखेगा एग्जामिनर कहेगा यार लड़का ठीक है, मेहनत किया है, राइटिंग कितना बढ़िया है, है ना। तो ये चीज़, तो क्या होता है, जो चीज़ से स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन, वही चीज़ से आप आंसर स्टार्ट कर दीजिए। बस क्या है ना, मार्टिन लूथर सेज, है ना, ओके बाद 2-4 लाइन कुछ कुछ भर दीजिए। अगर देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 20 वर्ड से 30 वर्ड में लिख देना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक थोड़ा ज़्यादा और बढ़ा देंगे,
बात उतने है, खाली ओका तनी बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उतने से पूछेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, 20 से 30 या फिर 40 to 50 वर्ड, ओके जी। चलिए ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द सेंस ऑफ द टर्म, है ना। तो ये सिविलाइजेशन जैसे ही देखिए आप लोग को सीधा दिमाग आ रहा है गांधी जी वाला बात है, मैं ही आता है ना, गांधी जी वाला बात है, बस लिख देंगे। शॉर्ट है तो 20 वर्ड में, लॉन्ग है तो 40-50 वर्ड में, खत्म कहानी, काहे का टेंशन। यस, तो यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वही आप लोग को दिए हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इतने से पूछेगा, घबराना नहीं है, सबका आंसर अच्छे से देना है, बढ़िया से क्लियर फ्रेशनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इतना का बस स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बात और जो ध्यान देना है वो बता देते हैं, देखिए कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो सीक्वेंस में दीजिएगा। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर, चार नंबर क्वेश्चन है, पाँच नंबर, मान लीजिए पाँच क्वेश्चन है, पाँच में से आप लोग को बोल रहा है तीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या तीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें तो सीक्वेंस में दें, है ना। चार तीन क्वेश्चन का आंसर देना है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका दे दीजिए, इसका दे दीजिए, इसका दे दीजिए। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई तूफान नहीं लेना। अब ये नहीं जो एक का आंसर पहले दिए, फिर पाँच का आंसर दिए, फिर दो का दिए, ऐसे नहीं करना है, है ना। ऐसे में मास्टर साहब गुस्सा जाएंगे, क्योंकि मास्टरों साहब के लोक लड़का होता है। अगर मैडम जी से गुस्सा के आएंगे और उनको भी हेडेक होता जाए, 40 को कॉपी चेक करना है, पहले क्वेश्चन दीजिएगा एक के, फिर पाँच के, फिर दो के, उनका दिमाग आउट हो जाएगा। देने का नंबर होगा चार नंबर, बैठा देंगे दो नंबर, तो क्या कीजिएगा, उनसे लड़िएगा, कुछ ना कर पाइएगा। यह लेल अगर तीन को क्वेश्चन के आंसर पता है तो कोई बात नहीं, आपको एक का आता है आंसर दे दीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई तूफान ना। दुए से स्टार्ट कीजिए, दो का आता है तो दो का दे दीजिए, उसके बाद तीन का नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, चार का दे दीजिए, दो गो हुआ, उसके बाद पाँच का दे दीजिए, तीन गो का आंसर हो गया। अगर आपको एक, तीन और पाँच का आता है तो पहले एक का दीजिए, तीन का दीजिए, पाँच का दीजिए, मतलब सिक्वेंस में दीजिए, सिस्टमेटिक वे में। अब इन जो पहले एक के, फिर पाँच के, फिर तीन के, गड़बड़ा जाएंगे, मास्टर साहब गुस्सा जाएंगे, रिक्स मतलब काम नहीं करना है। तो बात समझ में आया, सीक्वेंस में देना, अगर एक दो तीन है तो भी ठीक है, नहीं तो सीक्वेंस में दो चार पाँच दीजिए, एक तीन पाँच दीजिए, एक दो, एक दो पाँच दीजिए, जैसे हो वैसे, बट सीक्वेंस में दीजिए, ओके। बात समझ में आ गया, चलिए आप लोग समझदार हैं, समझ जाते हैं एक ही बार में, ओके जी। बस बस बस, अब आप लोग का क्या है ये समझ ही गए ना। बस अब थोड़ा पोएट्री का दे रहे थे, प्रोज का है, गेस इतना से ही पूछेगा। आइए अब देखते हैं पोएट्री का। पोएट्री में देखिए क्या है, इच क्वेश्चन टू मार्क्स, देखिए पोएट्री का है, इच क्वेश्चन टू मार्क्स का है। पोएट्री से भी आप लोग को समरी भी पूछ सकता है, पूछेगा आप लोग को, शॉर्ट भी पूछेगा और लॉन्ग भी पूछेगा। देखिए क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्पीकर कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन द हाउस, ये क्वेश्चन है। इतना देखिए इसको नीचे लिखना था, ये आंसर है, यहाँ से आंसर देना है। अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लोग केवल 20 वर्ड में दे देंगे, अगर यहाँ पे लिख 20 to 30 वर्ड में दे देंगे, अगर यहाँ पे लॉन्ग लिखा रहता तो हम इसी को क्या करते 40 to 50 में देते। बात समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी। चलिए तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे कमला दास है तो आप लोग कमला दास से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कमला दास वाज या सी वाज, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने में तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, तो हम लोग सी वाज भी लिख सकते हैं या फिर कमला दास भी लिखेंगे, पहली बार तो तूफान नहीं आएगा। तो क्या सी वाज भी लिख सकते हैं, कमला दास भी लिख सकते, देख रहे होंगे वही चीज़ को हम लोग लिखते हैं
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट लॉन्ग वगैरह, तो वही क्वेश्चन में जो होता है उसको व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ को हटा के जो बचला हुआ होता है वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर ना? जो पूछ रहा है उस चीज़ का कम्प्लीटली सेंस है, तो आराम से लिख दीजिए, लिखिए जरूर, छोड़ना नहीं है। नहीं आता है तो कुछ दो चार लाइन लिख देना है बढ़िया से राइटिंग बैठा के, ख़त्म कहानी, बहुत आसान होता है। क्लियर? तो ये आप लोग को समझ में आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है गेस किया हुआ। दूसरा आप लोग का ये है ना, देखिए कितना सिंपल में लिया हुआ है। तीसरा ये है, चौथा पांचवा है ना, तो आप लोग क्या है बस इतने से आप लोग को पूछेगा, छः क्वेश्चन हो गया। क्लियर ना? छः क्वेश्चन है, इसी से आप लोग को आंसर देना है। देखिए एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है, एकदम आसान से इजीली सिस्टमेटिक वे में बनाना है, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है इंग्लिश। क्लियर ना? लॉन्ग है तो लॉन्ग जैसा, शॉर्ट है तो शॉर्ट जैसा, थोड़ा सा माइंड कूल और काम रखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ समरी सब है, उसको देख लेना है। क्लियर ना? शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछेगा। ओके, चलिए तो हम लोग को एग्जाम के दिन बहुत अच्छे से जाना है, अच्छे से उस दिन ये नहीं जो लटक के पढ़ते जाएंगे हई वाला नहीं, कुछ नहीं, आराम से रिलैक्स मूड में स्नान वगैरह करके, मम्मी पापा को प्रणाम करके, भगवान जी को मानते हैं तो भगवान जी को प्रणाम करके फिर जाना है, चंदन वगैरह करके नहीं जी। चलिए बहुत अच्छी बात, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से जो भी थोड़ा बचा हुआ है सारा क्लियर कर देंगे। बस 4 क्लास और है, बस 4 क्लास में आप लोग को सारा 100% क्लियर करवा देंगे। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा ही सबको लिख लेना है, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।